लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नदी चींटी दाना लेकर जब चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार वो फिसलती है। मन का विश्वास प्रभु में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखड़ता है। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप ही इस साल NIS अक्टूबर 2022 के एग्जाम से बैठने वाले हो तो आपको बहुत सारी गुड विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट विशेस स्कॉलर की पूरी टीम की ओर से। और कुछ टिप्स से आप उनको फॉलो करिएगा। आपके जिस सब्जेक्ट का भी एग्जाम हो तो आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को जरूर देख कर जाइएगा, ताकि आपको अपना पेपर करने में आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ग्रैब कर पाए। और जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके सिलेबस में उस सब्जेक्ट के, तो आप उन चैप्टर्स को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप गलती से भी उस क्वेश्चन को छोड़कर मत आइए। आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए और उस क्वेश्चन से आपके दिमाग में जो भी आंसर बैठ रहा है आप उसको एग्जाम में जरूर करके आइए। क्या पता आपका वो क्वेश्चन का आंसर सही निकल जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। तो गलती से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और डियर स्टूडेंट, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप पहले से ही अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा कि मुझे कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन को कितने देर में करना है, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन को कितने देर करना है। क्योंकि होता यह है कि आपके क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर इस वर्ड लिमिट में ही देना है, मतलब 20 से 30 वर्ड लिमिट में ही देना है, लेकिन बच्चे उस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा लिख कर आते हैं। और जिन क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसको 50 से 60 वर्ड्स में इनके आंसर देना, उन क्वेश्चंस को बच्चे छोटा छोटा आंसर लिख के आते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं जितना आपका वर्ड लिमिट लिखा गया है। और जो अपना कॉपी है बिल्कुल उसको साफ सुथरा रखिएगा, ज्यादा कटपिट मत करिएगा, राइटिंग का खास तौर से ध्यान रखिएगा। और ब्लैक और ब्लू यही दोनों पेन यूज करिएगा। क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन आपको ब्लैक से लिखना है और आंसर आपको ब्लू से लिखना है। इसके अलावा आपको कोई पेन नहीं यूज करना है। और अगर आपके क्वेश्चन में कोई डायग्राम पूछा गया है तो आपको उस डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करना है और उसके जो भी पार्ट्स हैं या फिर जो भी नॉमिनेशन है आपको उनको भी उस डायग्राम के साथ साथ नीचे मेंशन करना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ आसान सेफ टिप्स, जिसको ध्यान में रखकर आप अपने एग्जाम को बेटर से बेटर दे सकते हो और उसी टाइमिंग में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। फिर से एक बार आपको सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई क्वेरी फिर भी आपके मन में है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए या व्हाट्सएप करिए या टेलीग्राम करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, लोगों की हेल्प करते रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।